Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफा, जुलेखास किचन से। तो चलिए बनाते हैं बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से भाजी आलू, लेकिन खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, ऐसी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आलू भाजी बनाते हैं आज की। बड़ी सी जूड़ी है भाजी की, अब आपने साफ करनी है। साफ करनी पता तो होगी ही, नहीं तो मैं भी बता देती हूँ। अच्छा, ऊपर के जो इसके पत्तियाँ होती है वो लीजिए, और मैं कौली कौली डंडियाँ भी ले रही हूँ, मोटी नहीं है, कौली कौली डंडियाँ भी ले लीजिए। और इसी तरीके से सारी भाजी साफ कर लीजिए। ये देखिए, ये सारी साफ हो गई है। अब इसे मैं है ना दो तीन पानी से धो लेती हूँ, कुछ नहीं, इसमें पानी डाल दूंगी और छन्नी में नितार लूंगी, फिर से पानी डालूंगी, इसी तरीके से दो तीन बार इसे धो लेती हूँ। और इसे ये देखिए साइड पर रख दिया मैंने। भाजी को छन्नी के ऊपर नितरने दीजिए, तब तक हम कढ़ाई में बघार कर लेते हैं। थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और गर्म हो जाने दीजिए तेल को। जब तेल गर्म हो जाए तो एक छोटा चक्का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए और उसे तड़तड़ा जाने दीजिए। जब तड़तड़ा जाए तो 6-7 कली लहसुन की बारीक काटें इसे डाल दीजिए और चलाते रहिए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक दो हरी मिर्चियों को ना इस तरीके से काट के डाल रही हूँ, जैसे आप देख सकते हैं स्लिट मार के मैंने 1 के 4 पीस किए। 3 हरी मिर्चियाँ थी, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ों को ना तकरीबन 1 मिनट तक मीडियम आँच पर पकने दें, बार बार चलाते हुए। जब 1 मिनट हो जाए तो साइड पर मैंने रखी है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, मोटी मोटी काट के, वो डाल दीजिए जब 1 मिनट हो जाए तो। और उसे भी मीडियम आंच पर फ्राई कीजिए प्याज को। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक ये प्याज है ना कच्ची पक्की नहीं हो जाती, तब तक। यहाँ साइड पर मैंने आलूओं की छील निकाल ली है और इसे इस तरीके से काट कर पानी में रख दिया है। जब प्याज कच्ची पक्की हो जाए ना तो आलूओं को नितार कर डाल दीजिए, चूल्हा स्लो आंच कर दीजिए और नमक डाल दीजिए आलूओं के भाग का और इसे मिक्स कर लीजिए। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आपकी जो पतीली है, कढ़ाई है, ये नॉनस्टिक है और आप पका सकते हो ऐसे ही, तो स्लो आंच करके दम पर इसे पकने दीजिए। तब तक पकाए जब तक 70-80% गल नहीं जाते। बट मेरी कढ़ाई नॉनस्टिक नहीं है तो मैंने 1/4 कप जितना पानी डाला, इसे एक बार चला लेती हूँ मीडियम आंच करके, हल्का उबाल खिला लेती हूँ और इसे जब उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके ढक कर इसे तकरीबन पकने दीजिए। तब तक पका रही हूँ जब तक 70-80% तक आलू नहीं गल जाते। जब तक आलू हो रहे हैं, यहाँ साइड पर जो नितार के रखी थी हमने भाजी, उसे मैं रफली इस तरीके से रफली काट रही हूँ, बारीक बारीक नहीं काट रही, बस रफली उसे काटते जाए और साइड पर रख दें ये सारी को। ये आलूओं को देख लेते हैं, कुछ देर हो चुकी है। ये देखिए 80% आलू हो चुके हैं माशाल्लाह। तो अब यहाँ मैं चूल्हा मीडियम कर देती हूँ और ये जो सब्जी है इसे डाल देती हूँ, भाजी जो कटी हुई है। अब इसे एक बार चला लीजिए। अब आप देखेंगे कि इसका पानी छूट रहा है तो छूटने दीजिए। इसमें नमक डाल दीजिए भाजी के भाग का, और नमक डालने के बाद भी फिर से मिक्स कर लीजिए और चूल्हा स्लो करके ढक कर इसे कुछ देर तक पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक आलू पूरी तरीके से गल नहीं जाते। तो जब आप आलू गलाएंगे ना तो इतनी देर में तो हमारी भाजी हो जाएगी और पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजी का जो पानी छूटा है ना उतने में ही आलू गल जाएंगे बाकी के बचे हुए, और उतने में ही अपनी जो भाजी है वो भी गल जाएगी। चलिए कुछ देर हो चुकी है, देखिए तेल ऊपर आ चुका है, छूट चुका है, आप देख सकते हैं। आलू देख लेते हैं, माशाल्लाह पूरी तरीके से गल चुके हैं। आप देख सकते हैं भाजी प्रॉपरली हो चुकी है, देखने से ही दिख रही है। तो आप कर दीजिए चूल्हा बंद। अच्छा, मैंने हल्दी नहीं डाली थी, आप चाहें तो हल्दी भी डाल सकते हैं। जब आप भाजी डालने के बाद नमक डालते हैं तब आप हल्दी डाल दीजिएगा। चलिए अब गर्मा गर्म इसे प्याले में या प्लेट में निकाले और सर्व कीजिए। तो ये बन गई हमारी मजेदार सी, बिना ज्यादा मसाले डाली हुई, कम इंग्रेडिएंट से आलू भाजी, बट मजेदार और इतनी डिलीशियस है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे इंशाल्लाह। भाजी में सिर्फ एक ही चीज का आपने ध्यान रखना है, वो है हरी मिर्च। आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा हरी मिर्च। और इसी तरीके से कुछ वेज रेसिपीज मैंने मेरे चैनल पर अपलोड की है, सारे लिंक्स आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए ये वाली वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ये वाले वीडियो के लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।